अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए। इन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि हवाई जहाज से लटकते हुए लोग शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के संपूर्ण कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है। इतनी भीड़ शायद ही आपने कभी किसी एयरपोर्ट पर देखी होगी। जिस तरह लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हवाई जहाज तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों को अफगानिस्तान छोड़कर जाने की कितनी बेसब्री है। वहीं इन सब के बीच वहां मौजूद एक स्थानीय कर्मचारी ने इस भयानक स्थिति पर कहा कि बीते रविवार को हर 2 मिनट पर फ्लाइट से बड़े लोग और अधिकारी भाग गए। आज 2-3 फ्लाइट ने उड़ान भरी, जिसमें वीजा अधिकारी एयरपोर्ट कर्मचारी भी देश छोड़कर चले गए। अभी स्थिति ऐसी है कि एयरपोर्ट पर वीजा चेक करने तक के लिए भी कोई नहीं बचा है। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ के बीच हंगामा भी हो गया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए अमेरिकी फौज ने हवा में गोलियां दागी। उधर तालिबान ने फरमान जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वे 17 अगस्त की सुबह 8 बजे तक घरों में ही रहें। काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। सिर्फ सैन्य विमानों को उड़ान की इजाजत है। इन सब के बावजूद देश छोड़कर जाने के लिए लोग जल्दबाजी में बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं। वहीं कई लोग वीजा बनवाने के लिए अपने अपने देशों के दूतावास के चक्कर भी काट रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देश भी परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइट तक भेज रहे हैं। भारत ने भी काबुल से रविवार को एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए अपने तमाम नागरिकों को बाहर निकाला है। वहीं हम इस वीडियो की बात करें तो फिलहाल काबुल हवाई अड्डे पर ऐसे हालात हैं जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन हो। फिलहाल यहाँ डरावनी स्थिति बनी हुई है और काबुल छोड़ने के लिए लोगों में मारामारी मची हुई है। लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़कर भागने को तैयार हैं, बस उन्हें हवाई जहाज पर एक सीट चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।